खत्म दिक्कत ही खत्म अब वो दिन गए आपके कि कौन से म्यूचुअल फंड लू दोस्त से पूछ रहे हो अपने स्टॉक मार्केट फ्रेंड से पूछ रहे हो किसी से पूछ रहे हो मामा मा, चाचा जी। बस एक टिप्स की वेट भाई कोई अच्छा म्यूचुअल फंड बता बता दे जिसमें कोई इन्वेस्ट रहा आ गया अब मैं आपको टॉप म्यूचुअल फॉर फाइव उनका क्या क्राइटेरिया है मैं आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ और हर टाइप की म्यूचुअल फंड को मैं इसमें कवर करूंगा चाहे वो इक्विटी हो मिड कैप हो डेट हो हाइब्रिड हो सो दैट यू नो कौन से म्यूचुअल फंड क्या है क्या क्वालिटीज होती है आपके लिए क्या बेस्ट सूट करेगा जो भी म्यूचुअल बताऊंगा अप टू वैल्यू रिसर्च उन सब रिसर्च के लिए सोर्सेज में नीचे हैं। और ये क्यों बता रहा हूं आपकी सारी म्यूचुअल फंड खरीदने नहीं है मैं आपको सब ऑप्शन दूंगा फिर आप खुद कंसिडर कर पाओगे आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा रहेगा तो दिक्कत खत्म कर रहा हूं मैं इसी वीडियो पे चलो शुरुआत करते हैं सर क्राइटेरिया से और क्राइटेरिया मेरे आपको पता है गोलाई क्राइटेरास हार्ड रहते हैं सर सबसे पहली चीज जो फंड की परफॉर्मेंस है इट शुड हैव बीटन द बेंचमार्क फॉर कंजेक्टिवली थ्री थ्री इन कंजेक्टिवली बिकॉज अगर ये हो रहा है ना इसका मतलब वो फंड मैनेजर इज इन अ गुड पोजिशन सेकेंड बेंच मार्क आई वॉन्ट एक्सपेंस रेशियो सर शुड बी लेस देन वन परसेंट हम बनिए हमें क्या चाहिए सर अच्छा फंड चाहिए और सस्ते में फंड चाहिए और फंड की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए थर्ड एज ऑफ फंड शुड बी एटलीस्ट थ्री ईयर्स ओल्ड अब मैंने जमपुरी बिकॉज आई डोंट एन जो न्यू फंड ऑफर्स है एन एफोज अच्छे होते हैं नो डाउट बट उसमें स्टडी ज्यादा है रिस्क ज्यादा है सो मैं आपको वही बताऊंगा जो तीन साल एग्जिस्टेंस में रह चुके हैं उसके बाद सेट्स अंडर मैनेजमेंट आई वॉन्ट एटलीस्ट वन थाउजेंड करोड हाँ बहुत ज्यादा भी होनी चाहिए बट वन थाउजेंड करोड के थ्रेश होल्ड के मुझे ऊपर ही चाहिए दैट दे हैव गुड एय एम एंड फाइनली आता है मैं आपको वही म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिनके ऑप्शन डायरेक्ट ग्रोथ में अवेलेबल है सो so दैट हम अपनी रिटर्न मैक्सिमाइज कर पाए सबसे पहली कैटेगरी आती है इक्विटी म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में हम डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं जिन लोग को आइडिया नहीं है वो एक एमसी के पास जाते हैं ए एमसी उनके लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो बात सेम ही पड़ती है तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट

फंड्स फंड्स अब होते हैं इसमें लास्ट कैपनी मिड कैप स्टॉक्स लेगा कैप स्टॉक्स मतलब जनरली जिन स्टॉक्स का मार्केट कैपिटल इन कंपनीज में टू ग्रो और इस लेवल खड़ी है कि बस टॉप 100 कंपनीज में कभी भी आ सकते हैं बट द सेम टाइम इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है so, funds, रिस्क थोड़ा ज्यादा है रिवॉर्ड भी थोड़ा ज्यादा यहां पे आते हैं मोतील मिड कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान अगेन फाइव स्टार रेटिंग बाई वैल्यू सर्च थ्री रिटर्न इज थर्टी फाइव पॉइंट थ्री थ्री परसेंट बाई द वे मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बट दिस इज नॉट दैट परफॉर्मेंस जो आपको रेगुलरली एक्सपेक्ट करनी चाहिए तो एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कंट्रोल रखना उसके बाद क्वॉंट मिड कैप डायरेक्ट प्लान अगन वैल्यू रिसर्च ने फाइव स्टार दिए हैं एंड थ्री रिटर्न इज ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव फाइव परसेंट फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में थर्ड कैटेगरी आती है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं टॉप टू फिफ्टी उसके बाद जो कंपनी आती है दो या स्मॉल कैप कंपनीज अगेन रिवॉर्ड इज वेरी पड़ता है एंड दैट इज वाई फॉर मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स एक स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इज अ ग्रेट वे एक सेफ तरीके से इन रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को लेना और अच्छी रिटर्न एक्सपेक्ट करना यहाँ पे दो म्यूचुअल फंड बहुत स्ट्रॉन्ग लगे मुझे सबसे पहले निपॉन इंडिया स्माल कैप डायरेक्ट अगेन ने इसको फाइव स्टार दिया थ्री रिटर्न ट्वेंटी एंड टाटा स्मॉल कैप डायरेक्ट जिसने वायु रिसर्स ने फाइव स्टार्स दिया है एंड थ्री सेवन पॉइंट एट सेवन एक मिनट अब यू माई थिंक गोयलाटर्न मुझे दूसरे म्यूचुअल फंड दिख गई है this, मेरा म्यूचुअल फंड चूजन क्राइटेरिया बहुत हाई है बिकॉज में सिर्फ रिटर्न में नहीं जा रहा हूँ मैं बहुत सारे दूसरे क्राइटेरिया जो वीडियो स्टार्ट में देख रहा हूँ मैं आपको वो बताए थे एंड पर्सनली स्पीकिंग अगर आप म्यूचुअल फंड कंसिडर कर रहे हो ना देन यू कैन ऑल्सो कंसिडर वेरी सेफ स्टॉक्स जिसको आप जस्ट जिस खरीद के यू कैन गेट इट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ टू फाइंड एट स्टॉक्स योर सेल्फ आपको किसी यूट्यूब पर डिपेंड नहीं करना आपको मामा चाचा ताऊ जी उन पर डिपेंड नहीं करा कि स्टॉक की एडवाइस करें सर मेरी एक फ्री मास्टर क्लास है जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स इन सच अ ईजी इन सच अ सिंपलिस्टिक वे कौन सी वेबसाइट कहाँ जाना है क्या करना है

कैटेगरी इन इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड काफी सिंपल लॉजिक है कि लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप सब है तो उसमें रिस्क बहुत एवरेज रहता रहता है है रिवॉर्ड भी उस सो दिस इज अगेन गुड फॉर पीपल हु वॉन्ट एक्सपोजर इन ऑल थिंग्स यहां पर जो बेस्ट म्यूचुअल फंड लगे सबसे पहले है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान वैल्यू रिसर्च ने इसको फाइव स्टार की रेटिंग दी है थ्री रिटर्न ट्वेंटी बाकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर देख रही हैं उसके बाद है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान फंड अगेन

एक इंडेक्स फंड जिसको आप कंसीडर करना चाहिए वो है इसका थ्री रिटर्न इज 11.88 परसेंट ये बहुत अच्छे से मेरा बेसिकली डेट फंड किसी कंपनी के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बॉन्ड्स या डिवेंचर में इन्वेस्ट करते हो जो फिक्स इनकम एसेट्स होते हैं जो आपको पता है कि मैंने यहाँ पैसे डाले ये सेफर होते हैं इतने टाइम में इतना परसेंट इंटरेस्टेड मिलता रहेगा फिक्स इनकम एसेट्स जैसे फिक्स डिपॉजिट इट इज अ फिक्स इनकम एसेट, बिकॉज मुझे पता है इतने टाइम मुझे इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा बट अगेन डेट में बहुत जरूरी होता है हमारे देश में लोग क्या करते हैं कोई भी डेट फॉर्म उठा लेंगे सींग सबसे मैक्सिमम रिटर्न किस की है। और बहुत बार जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है ना ये बहुत रिस्की डेट में पैसे डालते हैं मतलब एक कंपनी जो एकदम बैंक कगार में खड़ी है उसने बॉन्ड इशू किया है वो तो बहुत हाई इंटरेस्ट में बॉन्ड इशू करी तभी तो लोग उसका बॉन्ड लेंगे कंपनीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट कर देती है तो ऑब्वियसली रिटर्न बहुत अच्छी आती है बट सिटिंग ऑन अ वेरी रिस्क सो डेट इज ज्यादा रिस्क नहीं चाहते अपना पैसा थोड़ा सेफ रखना चाहते हैं एंड इक्विटीज दे आर नॉट कंफर्टेबल दे प्रीफर टू बी इन डेट और इसमें कोई सही गलत नहीं है हर बंदे की अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है एंड इफ यू आर समन इज मोर कंफर्टेबल इट डेट फंड आप ज्यादा डेट फंड रखना चाहते हो यू शुड नॉट बी अम्बेल दूसरों के मत आओ कि भाई में डाल अपने हिसाब से चलो बिकॉज वही रिस्क आदमी अफोर्ड कर है जिस रिस्क से वो कंफर्टेबल हो और अपनी रिस्क कैपेट ना अब विद टाइम डिस्कवर करते हो सो डोंट रशर सेल्फ इंट थिंग्स डोंट पुश यनी इंटू थिंग्स आराम से करो और खुद एनालाइज करके डेंटिक डिसीजन अब डेट फंड की कैटेगरी में सबसे पहले

लेस देन थ्री मंथस रखना चाहते हैं जो लेस देन नाइनटी वन डेज रखना चाहते हैं बिकॉज इसमें पैसा आपका सेफ रहता है और फ्लक्चुएशन कम होती है वॉलिटिलिटी कम होती है एंड यू कैट इंटरेस्टेड अगेन इसमें आप बहुत खास इंटरेस्ट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बट आपको इंटरेस्टेड मिल जाता है राइट इसमें सबसे पहले आता है आदित्य बिरला एस एल लिक्विड फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान वैल्यू रिसर्च ने फाइव सर रिटर्न दिए वन ईयर रिटर्न इज सट फाइव परसेंट उसके बाद आता है वाइज लिक्विड फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान वैल्यू सोर्स ने फाइव से रिटिंग दी है वन रिटर्न इज सेवन पॉइंट फाइव फोर परसेंट एंड फाइनल कैटेगरी आ जाती है ऑफ of...